सब्सक्राइब कीजिए एबी गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एबी गुरुजी चैनल में और लेकर आपके लिए 22 नवंबर के सारे इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आज के लिए जो पहला क्वेश्चन हमारे पास, आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2018 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो इसमें भारत का स्थान रहा 53वां। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली बार भारत का स्थान रहा था 51 नंबर और इस बार जो सूची जारी हुई है उसमें भारत दो पोजीशन खिसक चुका है नीचे की ओर और भारत 53rd स्थान पर आ चुका है। इस लिस्ट में जो पहले स्थान पर है वो स्विट्जरलैंड है, दूसरे स्थान पर जो है वो डेनमार्क है और तीसरे स्थान पर जो है वो नॉर्वे है। तो ये तीनों पोजीशन भी आप लोगों ने लिखनी है। इसके अंदर टोटल 63 कंट्रीज को शामिल किया गया है और ये जो रैंकिंग है वो इसका 5th एडिशन है। तो ये सब इंफॉर्मेशन मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लिख ली होगी। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? तो क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यहाँ पे यूनिवर्सल की बात की जा रही है। ठीक है, सार्वभौमिक। तो सार्वभौमिक रूप से जो चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है वो 20 नवंबर को मनाया जाता है। जो नेशनल चिल्ड्रंस डे है जो अभी हमने हाल ही में बनाया है वो 14 नवंबर को बनाया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती मनाई गई है। तो ऐसे में आप लोगों ने डिफरेंस करते हुए इसे याद रखना है। तो यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे 20 नवंबर। अब डेज की बात आई है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 20 नवंबर को ही हम एक और दिवस मनाते हैं, अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे। तो ये भी आप लोगों ने जरूर अपने पास में लिखना है। ठीक है, अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस, इंग्लिश में बोलते हैं अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के नए निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं संजय कुमार मिश्रा जी। ये कौन है? ये आईआरएस ऑफिसर है यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के ऑफिसर हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारे पास, IWAI के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? तो IWAI की फुल फॉर्म सबसे पहले आपको बता देता हूँ, इसकी फुल फॉर्म है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसके नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं जलत श्रीवास्तव जी। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने रिटेल इन्वेस्टर के सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो इन्होंने लॉन्च किया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज गो बिड। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने याद रखना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदने के लिए रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये लॉन्च किया गया है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में किस हवाई अड्डे को 100% शिकायत निवारण के लिए सम्मानित किया गया है? तो 100% शिकायत निवारण की है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने और इसे ही अब सम्मानित किया गया है हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु जी द्वारा। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने याद रखना है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडो जापान यानी कि इंडिया और जापान बिजनेस काउंसिल का बिजनेस फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो ये महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित किया गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया और जापान के बीच में बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये फेस्टिवल आयोजित किया गया था। उसके यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, 8th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर वुमेन इन पुलिस, ठीक है, कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित की गई। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को बता दूं, नेशनल लेवल का ये एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे इस बारे में बात की जाती है कि यानी कि वुमेन को किस तरीके से और आगे बढ़ाया जाए। तो ऐसे में ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है। और ये किसने ऑर्गेनाइज किया था? ये ऑर्गेनाइज किया था ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने झारखंड पुलिस के साथ मिलकर। ठीक है, तो ये आप लोगों ने लिखा है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने झारखंड पुलिस के साथ मिलकर इसको आयोजित किया और ये 2 दिवसीय था यानी कि 19 और 20 नवंबर को ये चला था। तो इस तरीके से दोस्तों ये सब थे आप लोगों के लिए 22 नवंबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल जवाब हो तो उनसे कमेंट बॉक्स में नाम मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों प्लीज लाइक कीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही है जो मुझे मोटिवेट करता है इसी तरीके से डेली आप लोगों के लिए करंट अफेयर अपलोड करने में। साथ ही आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा सभी फेसबुक और व्हाट्सएप के एजुकेशन ग्रुप में जितने भी आप लोगों के पास अवेलेबल है उनमें, ताकि ज्यादा स्टूडेंट हमारे साथ इस चैनल पर जुड़ सकें और डेली करंट अफेयर के सेशन का फायदा ले सकें। फिलहाल के लिए स्टूडेंट इतना ही, जय हिंद जय भारत।